गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं काजून पोटैटोस। उसके लिए पहले देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमको। पहले हम ले लेंगे कुछ उबले हुए बेबी पोटैटोस। दूसरे इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए ऑयल फॉर फ्राइंग, उसके अलावा हमको चाहिए चिली फ्लेक्स, ऑनियन फ्लेक्स, अब ऑनियन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कश्मीरी पैपरिका, वो रेड चिली की तरह होता है, गार्लिक पाउडर। ऑनियन पाउडर या ऑनियन फ्लेक्स और गार्लिक पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, उसके बिना भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा चाहिए ऑरेगानो पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा मेयोनीज, मैदा, कॉर्नफ्लोर, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते, नमक और केचप। पोटैटोस को फ्राई करने के लिए पहले हम एक स्लरी बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे 2 चम्मच मैदा। अब उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। उसमें मिलाएंगे हम स्वाद अनुसार नमक, पानी। उसके बाद एक स्लरी बन जाएगा। मिक्सर को अच्छे से मिला ले। देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। हमारे जितने भी पोटैटोस बन रहे हैं उसके लिए उतना ही मैदा और कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत हुई थी। आप जितना भी बना रहे हैं उसके हिसाब से उन दोनों के क्वांटिटी को चेंज करके इस तरह की कंसिस्टेंसी बना लें। एक फ्राई पैन ले लें, उसमें तेल डाल देते हैं पोटैटोस को फ्राई करने के लिए। अभी हम बॉइल्ड पोटैटोस को एक एक करके लेंगे, उसे धीरे से प्रेस करेंगे ताकि उसका शेप इस तरह से हो जाए। ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है ताकि वो टूटे ना। एक एक करके अभी सारे पोटैटोस को हम वैसे शेप दे देंगे। हमारा तेल अभी गर्म हो चुका है, अभी हम पोटैटोस को फ्राई करेंगे। स्मैश्ड पोटैटोस को हमारा जो स्लरी बना हुआ था उसमें डुबो के अच्छे से तेल में एक एक करके डालना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद आलूओं को पलट दें। दूसरे साइड में भी आलूओं को और 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। पोटैटो अभी क्रिस्पी बन चुके हैं, उन्हें तेल से निकाल के एक पेपर टॉवल पे रख देंगे। अभी हम काजून पोटैटो का सॉस बनाने जा रहे हैं। पहले ऐड करेंगे 5 to 6 टेबलस्पून ऑफ मेयोनीज। अब उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक पाउडर। फिर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून टोमेटो केचप, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो पाउडर। उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ रेड पैपरिका। अगर आपके पास पैपरिका पाउडर नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ ऑनियन फ्लेक्स या ऑनियन पाउडर। अब ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, ये स्वाद अनुसार है, आपको जितना भी तीखा खाना हो उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब उसमें मिला लें थोड़ा सा नींबू का रस, स्वाद बहुत बढ़ जाता है इससे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लें। कंसिस्टेंसी थोड़ा पतला करने के लिए आप पानी मिला सकते हैं, अगर आप चाहें तो दूध भी मिला सकते हैं। हमारा सॉस अब रेडी हो चुका है, देखिए उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अब हमारा फाइनल स्टेप शुरू हो रहा है, फ्राइड पोटैटोस को एक एक करके प्लेट में पहले सजा दें। अब हम एक एक करके पोटैटोस के ऊपर सॉस डाल देते हैं। ये बनाना बहुत आसान है, जब भी आपके घर में बेक गेस्ट्स आएँ आप जल्दी से इसको बना के उन्हें दे सकते हैं। अब हम गार्निश करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज,
डालेंगे कटा हुआ धनिया। हमारा काजून पोटैटो अभी रेडी हो चुका है। आप इसे बनाएं और हमें बताएं कैसा लगा।